Hi everybody, we are back with a new video. I am Dr. Srishti Bhatia. I am an orthodontist and आज हम एक आपको patient के photos and उसके review के साथ आपको उसका case दिखाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से 3 दिन के अंदर आप इस patient के दांतों के जो gaps थे वो completely खत्म हो गए and किस तरह से वो proceed हुआ. So चलिए आइए start करते हैं. सबसे पहले आपको इस पेशेंट के मैं पिक्चर्स दिखाना चाहूंगी. टीथ के पिक्चर्स हैं, आप देख रहे हैं, साइड पे चल रहे हैं. इस तरह से इनके दो साइड के जो दांत थे, लैटरल इंसाइजर्स, ये थोड़े नॉर्मल पोजीशन से छोटे थे. उस छोटे होने की वजह से सेंट्रल एंड लैटरल के बीच में कुछ गैप्स थे. अब इस पेशेंट को चाहिए था कि ये गैप जल्दी से क्लोज हो जाए. इनको हमने सारे ऑप्शन समझाए जिसमें ऑफकोर्स ब्रेसेस वॉज वन ऑप्शन, अलाइनर्स वॉज अनदर, इसके अलावा कैपिंग वॉज अ थर्ड ऑप्शन. Since the patient wanted a quick treatment and जल्दी से फटाफट से effect चाहिए था, इसलिए we went in for zirconia caps for the front two teeth. Front two teeth meaning दोनों side का lateral incisor को हमने prepare किया and after preparation measurement लेके we send it to the lab. इस case में जो हमने measurement लिया that was done digitally using an intraoral scanner जो कि is now available at our center. एंड इस मेथड से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपका जो नॉर्मल मेजरमेंट है वो सब कुछ एलिमिनेट होके सारा गैगिंग सेंसेशन, सब कुछ अनकंफर्ट जितना उसमें फील होता है, ऑल ऑफ दैट इज एलिमिनेटेड. सो ये सब डिस्कम्फर्ट को एलिमिनेट करते हुए वी टुक एन इंट्रा ओरल स्कैन डायरेक्टली, वो लैब को सेंड हुआ, उसी में सारा मेजरमेंट हुआ, सब कुछ हुआ. नो सेपरेट मेजरमेंट वॉज रिक्वायर्ड फॉर दिस. Once the caps are here, ये देखिए कैप लगाने के बाद ये जो गैप है ये इमिजिएटली खत्म हो गया एंड विद इन 3 days वो स्माइल का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जो था दैट कैन बी इजिली सीन. एंड आई एम ऑल्सो अटैचिंग द पेशेंट टेस्टिमोनियल इन दी वीडियो. इसके अंदर आप पेशेंट के अपने वर्ड्स में सुन सकते हैं कि उसका खुद का एक्सपीरियंस कैसे रहा एंड हाउ ही लाइक द एंटायर प्रोसेस. हेलो एवरीवन, दिस इज नरेन अधिकारी एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली. रिसेंटली काफ़ी टाइम से मैं दांतों के जो बीच में गैप होते हैं फ्रंट टीथ में, उसको लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस था और स्माइलिंग भी थोड़ी सी मुझे ऑकवर्ड सी लगती थी. तो देखते देखते टाइम गुजरता गया. तो एक दिन मैं जनकपुरी आया अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, कुछ हैंग आउट था उसी के दौरान. तो यहाँ पे मैंने डेंटो भाटिया डेंटो प्लस देखा, तो मुझे लगा कि शायद एक बार यहाँ पे जाके देखता हूँ कैसा है कैसा नहीं. तो यहाँ पे आया, मैम से मिला, सृष्टि मैम से, तो उन्होंने अच्छे से गाइड किया और उन्होंने बताया कि कैसे फ्रंट टीथ के जो गैप है उसको ख़त्म किया जा सकता है एक अच्छे ट्रीटमेंट के द्वारा. तो स्टार्टिंग में हेजिटेशन लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सृष्टि मैम के सहयोग से आगे बढ़ता गया. तो फाइनली 4-5 दिन के प्रोसेस के बाद मेरा ट्रीटमेंट हो गया है और अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और कोशिश यही है कि अब ये लाइफ टाइम मतलब ऐसे ही रहे, कुछ प्रॉब्लम ना आए. बाकी एटमोसफेयर भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, क्लिनिक भी सारा स्टाफ हेल्पफुल है. तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर कभी किसी को टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो एक बार यहाँ जरूर विजिट करें. और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आएंगे तो निराशा आपको हाथ लेगी, ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट लेके यहाँ से आप जाएंगे. सो थैंक यू फॉर भाटिया डेंटो प्लस एंड सृष्टि मैम एंड एवरीवन फॉर द स्टाफ फॉर हेल्पिंग अस. सो थैंक यू सो मच. Now, if you like the video, आपका भी कुछ ऐसा ही केस है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और टॉपिक्स पे आप चाहते हैं वीडियोज बनाइए तो हम जरूर आपको ओब्लाइज करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड.